Seriously, don't do this, pagla. फ्रेंडली की रात अपने गेट के बाहर आपका कोई विजिटर आता है, वो अगर उसको बिस्किट दिखा देता है तो शायद वो उसके साथ चला जाए। अलास्कन मैलाम्यूट का हाइट देख ले, ऑलमोस्ट मेरे जितना है। ये फिलहाल इधर देख नहीं रहा है, देखिए, देख लीजिए इसको वेट मिस। गाइस आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे कोलकाता न्यू टाउन में विश्व बंगला के पास में, तो आज हम लोग आए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अलास्कन मैलाम्यूट और साइबर हस्किन का कैनल में इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हमारे साथ सर है, तो इन्हीं का कैनल है, तो इनसे हम लोग पहले बात कर लेंगे। वेलकम सर, थैंक यू अपना इतना प्रेसियस टाइम देने के लिए। तो सबसे पहले व्यूअर्स का अपना नाम और कैनल का नाम बता दीजिए। राहुल चौधरी मेरा नाम है और मेरे कैनल का नाम है शॉर्ट फेस्ड वुल्व्स। अपना एड्रेस बता दीजिए अंकल। हम लोग का एड्रेस है CC22 न्यू टाउन एक्शन एरिया 1, व्हिच इज मतलब विश्व बंगला से करीब 600 मीटर दूर। और आपका कैनल का स्पेशलिटी क्या है? हमारा जो स्पेशलिटी है वो साइबेरियन हस्की एंड अलास्कन मैलाम्यूट। अच्छा, और आपका जो फर्स्ट मैंने डॉग ब्रीड था वो क्या था, लाइक फर्स्ट डॉग आपने क्या रखा था? बचपन में हमारा फर्स्ट जो डॉग ब्रीड था वो था आपका डैशेंड, मगर जब हम बड़े हो गए और न्यू टाउन में आए तो उस समय हमने सोचा लेट अस गो फॉर अ साइबेरियन हस्की। और साइबेरियन हस्की के बारे में आप जैसे मालूम है कि इंटरनेट पे बहुत लिखा हुआ है नॉट फॉर इंडियन वेदर, तो काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देन आई ब्रॉट माय साइबेरियन हस्की एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। इतना सारे ब्रीड है, लाइक बहुत सारे ब्रीड है, तो आपने इतना लाइक यूनिक ब्रीड जैसे साइबेरियन हस्की और मैलाम्यूट को क्यों चूज किया? नहीं, इट्स मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ यूनिक ब्रीड। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि ये स्पेशल ब्रीड है वगैरह। आपको ये रिमेम्बर करना है कि ये कैनाइन ब्रीड ही है, डॉग ब्रीड, राइट? फर्क ये हो जाता है कि उनकी अपकीपिंग आप कैसे रखते हो। एंड क्योंकि मैं काफी डॉग्स के साथ जिंदगी गुजार चुका हूँ, लाइक डैशेंड, कॉकर स्पैनियल, GSD, गोल्डन रिट्रीवर, तो इस बार मैंने सोचा चलो लेट अस गो फॉर अ साइबेरियन। जब साइबेरियन का मैंने देखा कंफर्ट लेवल अच्छा है, तब मैंने बोला चलो बुड्ढे हो रहे अलास्कन रख लेते हैं। तो जैसे सर हम लोग को दिख रहा है अलास्कन मैलाम्यूट तो इतना बड़ा, लाइक 2-3 साइबेरियन हस्की के बराबर एक है, तो लाइक ये क्या बहुत फैमिली फ्रेंडली डॉग है, या लाइक अगर कोई अगर फैमिली में रखना चाहता है, कोई छोटे बच्चे घर पे, तो रख सकता है इसमें? बहुत ही फ्रेंडली है, माने इतना फ्रेंडली कि अगर आप अपने गेट के बाहर आपका कोई विजिटर आता है, वो अगर उसको बिस्किट दिखा देता है तो शायद वो उसके साथ चला जाए। बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का बात होता है, हम छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स का सुपरविजन होना चाहिए। अच्छा। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे सब लीजिए डॉग खाना खा रहा है और बच्चे ने हाथ दे दिया खाने में, हो सकता है वो अटैक कर जाए। जैसे कोलकाता का वेदर बहुत ह्यूमिडिटी रहता है और बहुत गर्मी रहता है, और ये लोग हम लोग देख सकते हैं इतना लाइक लोग का शरीर में इतना कोट रहता है। अच्छा, तो क्या बहुत ही क्वेश्चन रहता है, कैन दे सर्वाइव इन दिस वेदर? यही क्वेश्चन, अच्छा हुआ आपने पूछा, मैं एड्रेस करना चाह रहा था बिकॉज इंटरनेट पे बहुत नेगेटिविटी लिखा हुआ है। नंबर वन हमको रिमेम्बर करना है कि दे आर बॉर्न इन इंडिया, राइट? सो डेफिनेटली हम ये नहीं बोल सकते कि 100% क्लाइमेट के साथ यूज टू हैं, बिकॉज अब हम हमारे इंडीज जो ब्रैकेट में हम बोलते हैं स्ट्रीट डॉग्स, आप उनको भी गर्मी में देखिए वो छाया खोजते हैं। नंबर टू, व्हेन इट कम्स टू कीपिंग देम, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और प्रॉब्लम आपकी अराइज करती है प्री मानसून एंड मानसून, जब ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। बट मैं आपको बुक नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूंगा। एक टेबल फैन भी अगर आप अच्छा लगा देते हैं, हाई स्पीड टेबल फैन, और आपका सीलिंग फैन भी चल रहा है और क्रॉस वेंटिलेशन है घर में, नो इश्यूज। अगर आप देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो मेरे को पसीना आ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, उस समय यू हैव टू बी स्लाइटली सेंसिटिव। और अगर समझ लीजिए घर का कोई भी सदस्य एसी रूम में जा रहा है दोपहर में, आप ले जाइए उसको साथ में। एट द सेम टाइम हम सबको बोलते हैं कि एसी का टेम्परेचर जो है 25 मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे मत जाइए, क्योंकि आप उससे नीचे जाते हो तो वो हैबिचुएट हो जाता है। जब हैबिचुएट हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज कैसे कराओगे उसको? और दूसरी बात है, आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आए तो आप उसको ड्राइंग रूम में कैसे बिठाओगे अगर आपके ड्राइंग रूम में एसी नहीं है? नाउ मेंटेनेंस, क्योंकि इनका लॉन्ग फर है एंड बोथ ऑफ देम साइबेरियन हस्कीज एंड अलास्कन मैलाम्यूट्स का डबल कोट है, सो हमको क्या करना पड़ता है, इनका ग्रूमिंग रेगुलरली करना पड़ता है। और ग्रूमिंग का मतलब है, बहुत से लोग सिर्फ ब्रश यूज करते हैं, ऊपर से कॉम्ब कर देते हैं,
तो हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली हमारे जो बेसिक टूल है वो स्टील कोम, स्टील कोम, और उसको हमको अंदर जाना पड़ता है टू ओपन द इंटरलॉक्स। ये लेडीज लोग समझ में आएंगे उनको समझ में आएगा ये बात, ये क्या इंटरलॉक्स क्या होता है ना। इंटरलॉक्स जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, एयर सर्कुलेशन इंक्रीजेस। ये आपके बहुत से ब्रीडर्स बताएंगे नहीं आपको एकदम। नाउ व्हेन द एयर सर्कुलेशन इंक्रीजेस आपका स्किन एंड फर के दरमियान, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा तो राहत मिलेगा। और ग्रूमिंग देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रूमिंग का सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने पेट को हैंडसम रख रहे हो, ग्रूमिंग को और भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे एक छोटा सा इंपॉर्टेंस है कि आप जब ग्रूमिंग करते हो तो आपको समझ में आता है कि उसको कोई पैरासाइट है कि नहीं, माने टिक्स वगैरह है कि नहीं है। सो यस, ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन इजीली सर्वाइव, नो इश्यूज। तो सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं बेसिकली ये साइबेरियन हस्की और अलास्कन मेलामाइट को ब्रीड किया गया था स्लेज पुलिंग के लिए, तो इन लोग का एक्सरसाइज नीड कैसा है अगर कोई रखना चाहता है तो? ओके, नाउ हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में जो अलास्कन एंड साइबेरियन हस्की, आई डोंट थिंक दे आर केपेबल ऑफ स्लेज पुलिंग, राइट। जैसे आप यूरोप साइड, यूएस वगैरह में आप जाइए, आप साइबेरियन हस्की का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इट इज़ मच स्मॉलर दैन द साइबेरियन हस्कीज इन इंडिया। एंड सो वी बेसिकली कॉल देम होम डॉग्स। एंड एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं दोनों ब्रीड के लिए, इनफैक्ट एनी ब्रीड, अर्ली मॉर्निंग, इससे पहले, जैसे अभी कितना बज रहा है, करीब 9:30 बज रहा है, देखिए अब गर्मी हो रहा है, सो इस कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एंड एक्सरसाइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर शाम को, आप वेदर को देखते हुए, सनसेट के बाद या सनसेट ठीक जैसे सनसेट हो रहा है, और नॉट मोर देन हाफ एन आवर पर एक्सरसाइज। आप देखिएगा आधा घंटा में वो दौड़ेगा, थोड़ा सा ये करेगा, या फिर ट्रॉटिंग करेगा अगर आप मॉर्निंग वॉक वगैरह में ले जा रहे हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो बहुत से जैसे गलत धारणा है कि साइबेरियन अलास्कन मेलामाइट दे कैन स्टे इन -10 degrees Celsius, और दूसरी बात है आप उनको 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला लीजिए। अगर आप हमारे देश में ये करेंगे तो आई डाउट वेदर इन लोग सर्वाइव कर पाएंगे। आप लेके तो जाओगे मगर बाप मानो पड़ा आप टैक्सी में उसको लेके वापस आ रहे हो, वो चल ही नहीं पा रहा है। और सर, जैसे आपने पहले मेंशन किया, जो अगर कोई आपके घर पे आ रहा है बिस्किट दे रहा है तो उसके साथ भी खेलने लगता है, तो दे आर नॉट गुड गार्ड डॉग्स, दे आर नॉट गार्ड डॉग्स। बट देखिए कैनाइन वर्ल्ड के हैं, वो कब क्या करेंगे, समझ लीजिए कोई आपके घर में घुस जाता है वो उस समय कैसा रिएक्ट करेगा, नहीं, बट यस आपको इंडिकेशन दे देगा कि घर में कुछ हो रहा है। और उसका साइज देख के, या देखिए नॉर्मली क्या होता है, बहुत से जो इंट्रूडर्स होते हैं वो अगर उनको पता चल जाए कि इनके घर में पेट है तो वैसे भी उन लोग वैसे सावधान हो जाते हैं। तो सर, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है हमारे पेट पेरेंट्स में और जो भी फ्यूचर में पेट पेरेंट्स बनना चाहते हैं, मैंने वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक हस्की और अलास्कन मेलामाइट में? ऑल राइट, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड आपके सामने में ये देखिए, ये जो ब्लैक एंड वाइट चीज है वुली हस्की, ये वुली हस्की है, और ये जो है दिस इज अ प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की। एज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप दोनों में कुछ नोटिस देख रहे हैं, आप साइबेरियन हस्की में नोटिस देख रहे हैं आप दोनों? हाँ, देख रहे हैं, इसका जो मींस कोट है, जो भी फर है वो ज्यादा है इससे। सो नंबर वन आप इसका मजल देखिए, ये देखिए, अब फिर आप जरा अलास्कन मेलामाइट का मुंह की तरफ जाइए और मजल के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करिए, राइट, लुक एट दैट। नंबर टू, पोजिशन ऑफ द ईयर्स, तो इसका कान आप जैसे देखिए, दिस इज मोर ऑन द साइड, और आपने क्योंकि अलास्कन का फोटोज और वीडियोज उठाया तो आप इसका कान देखिए, इज वेरी सिमिलर टू अलास्कन, राइट। अब आप इसका कान देखिए, इट इज मोर ऑन द टॉप, एंड सी द पोजिशन ऑफ द ईयर्स। फर क्वालिटी आप चेक करिए, ये देखिए आप इसका जो फर आप देख रहे हैं, इज वेरी सिमिलर टू एन अलास्कन। इसलिए मेरे ओपिनियन में, मेरे ख्याल से इंडिया में मैं ही एक ऐसा ब्रीडर हूँ जो बोलता हूँ, इंडिया में जो वुली हस्कीज हैं उसमें अलास्कन मेलामाइट मिक्स है। ये प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की है, शी इज अ प्लश कोट हस्की। आप इसका फर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज अ प्लश कोट हस्की। प्लश हस्की में तीन टाइप का कोट आता है, एक आता है शॉर्ट कोट, एक आता है प्लश कोट, और एक आता है वुली कोट। तो जिसमें शॉर्ट कोट एंड प्लश कोट इज प्योर ब्रेड, राइट। नाउ नंबर टू, लुक एट द साइज ऑफ द अलास्कन मेलामाइट, लुक एट द साइज डिफरेंस बिटवीन द अलास्कन मेलामाइट एंड हाइट डिफरेंस आप चेक करिए, लेंथ डिस्टेंस आप चेक करिए। दूसरा बात, आप एक और काम करिए, अलास्कन मेलामाइट के पैर के तरफ आप जाइए, उसके पॉज चेक करिए आप। नाउ
अभी ये तो खड़ी नहीं है, इसका अगर आप ये खड़ी रहेगी जब एक्साइटमेंट रहेगा, इसका आप टेल जो देखोगे वो सिकल पोजीशन होता है, जबकि अलास्कन मालामूट्स है ना उनका मोर प्यूम होता है, इट्स मोर लाइक दिस और इट कैन टर्न. सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस वेयर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अलास्कन मालामूट है साइबेरियन हस्की, बट यू हैव टू गो टू द प्रॉपर सोर्स. प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे देश में आज, अलास्कन मालामूट और वुली हस्की का ब्रीडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से जो पपीज हो रहे हैं वो अलास्कन करके प्लेस किए जा रहे हैं. और ऐसे जो ब्रीडर आपको होम ब्रीडर हो या प्रोफेशनल ब्रीडर हो, वो अगर आपको इस टाइप का अलास्किन देता विदाउट केसीआई, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम. और सर आपका जो ये कैनल है, ये क्या केसीआई के अंडर रजिस्टर्ड है? हमारा जो कैनल है शॉर्ट फेस वुल्व्स, बेसिकली आपको समझना होगा कि हमारा जो कैनल नेम होता है वो कैनल क्लब ऑफ इंडिया ने ही ग्रांट करता है. वो एफसीआई बेल्जियम है वो ग्रांट करता है. एफसीआई इज फेडरेशन साइनोलॉजी इंटरनेशनल. आप अगर उनके वेबसाइट fci.be में जाएं और वहां पे आप मेंबर्स को चेक करेंगे, आप देखेंगे देयर आर 98 कंट्रीज, उनमें से इंडिया एक है. और कैनल क्लब ऑफ इंडिया अंडर एफसीआई ऑपरेट करता है, राइट? सो हमारा जो नाम है वो इश्यू होता है बाय एफसीआई. डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो इश्यू करता है कैनल क्लब ऑफ. ये है कैनल क्लब ऑफ इंडिया जो ब्रीडर सर्टिफिकेट देता है. दिस इज द सर्टिफिकेट विच इज फॉर लाइफ. तो सर आपने तो सर्टिफिकेट दिखा दिया, तो हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे ओरिजिनल है? क्योंकि आज आपको पता है टेक का जमाना है, एआई का जमाना है, तो ये तो दो मिनट में भी बन सकता है. तो हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे जो आप सच में एक मींस ब्रीडर है अंडर एफसीआई और केसीआई? ऑलराइट, इंटरव्यू के बीच में मैंने आपको ऑनलाइन चेक कराया था. तो अगर आपको कोई भी स्टेट करता है कि आई एम रजिस्टर्ड विद द कैनल क्लब ऑफ इंडिया, आप fci.be वेबसाइट लॉग ऑन करिए, वहाँ पे आप सर्च करिए कैनल नेम्स. कैनल नेम्स को प्रेस करने के बाद उसके वो आपको डायरेक्शन दे देता है किस तरीके से आप सर्च करो. सिंपल है, वहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में उस कैनल का नाम लिखो. जैसे हमारा नाम है शॉर्ट फेस वुल्व्स, राइट? सो आप शॉर्ट फेस वुल्व्स एक लाइन में लिखेंगे, वन वर्ड, एंड यू हैव टू गेट द स्पेलिंग राइट. और अगर वो नाम दिखाता है सो दैट मींस मेरा कैनल जो हमारा जो कैनल है वो रजिस्टर्ड है. जैसे कि साइबेरियन हस्की और अलास्कन मालामूट आपके पास है, तो इन लोगों का कितना एज होने का था पपीज प्लेस करते हैं? हमारे यहाँ पपीज जो प्लेस होते हैं वो मिनिमम 57 डेज. इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो बोलते हैं वो ये बोलता है कि मदर एंड हर चिल्ड्रन एंड द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट इज सिब्लिंग्स, इनको आप जुदा मत करिए बिफोर 8 सप्ताह. और एक जो रीजन ये है कि खाना, तो बहुत से जैसे हमारे कैनल में क्या करते हैं, हमारे अडल्ट्स और हमारे जो बच्चे भी जो बड़े होते हैं एट अ सर्टेन एज, उनको हम होम कुक फूड खिलाते हैं विच इज केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स फ्री, एंड ये टोटल बैलेंस्ड खाना होता है जो एक डॉग को या एक पपी को 24 आवर्स में. ये खाना जो हम जिनसे लेते हैं, इट इज गो फॉर रियल न्यूट्रिशन, GOFUR, नॉट गो FOR, गो फॉर रियल न्यूट्रिशन. यू कैन बाय योर दिस थिंग देयर, एंड द लेडी इज वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज इंडियाज ओनली क्लिनिकल पेट न्यूट्रिशनिस्ट, और बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो. आपको ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह देना होगा तब जाके ही वो आपको डाइट चार्ट देंगी, विच इज परचेसेबल, आपको फ्री में नहीं मिलेगा. सो दीज आर द वेरियस रीजंस. हम उल्टा अपने पेट ओनर्स को रिक्वेस्ट करते कि आप 57 दिन पे ना लेके 65 दिन पे पपी लीजिए. और उसका वजह ये होता है जो दो प्राइमरी वैक्सीनेशन जो DHPP, ILC और इक्विवेलेंट जो भी अवेलेबल हो उस समय कलकत्ता में, उससे क्या होता है कि हमको भी एज अ ब्रीडर शांति होती है जब हम पपी प्लेस कर रहे हैं कि चलो ठीक है हमारे दो प्राइमरी वैक्सीनेशन उनको लग चुके हैं. सो दे शुड नॉट हैव फॉल सिक, यू नो, लाइक पार्वो, डिस्टेम्पर और एनी अदर थिंग. बट वैक्सीनेशन अगेन आर नॉट 100%. आप वैक्सीनेशन कंपनीज भी आप देखिएगा, उन लोग करीब 99% बोलते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि हम 57 डेज या 65 डेज में हम पपी देते हैं. तो सर जैसे कि अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना ख़त्म हुआ, तो इसमें एज अ पेट लवर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो कोरोना में किसी के पास कुछ टाइम नहीं था कुछ करने का, तो उन्होंने बोला चलो कुछ नहीं करने का, तो उन्होंने एक पपी अडॉप्ट कर लिया.
अब एक साल डेढ़ साल बाद कोरोना खत्म हुआ, अब उन्होंने क्या किया, वो पपी को रास्ते पर छोड़ दिया। तो क्या आप किसी पपी को किसी पेट पेरेंट्स को देने से पहले वेरीफाई करते हैं या कुछ क्रॉस चेक करते हैं या मीन्स किसी को भी दे देते हैं, इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा बता दीजिए। ओके, नंबर वन, तो हम लोग जब भी किसी कोई इंक्वायरी आता है फ्रॉम फैमिली तो हम कोशिश करते हैं कि उनका बैकग्राउंड समझ सकें। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डज एवरीबडी इन योर फैमिली वांट अ पपी? यस, राइट। बहुत से घरों में देखा जाता है कि जहाँ पे बच्चे को चाहिए या फादर एडमेंट हो जाता है कि मेरे को एक पपी चाहिए मगर वाइफ को नहीं चाहिए, या ग्रैंड मदर मतलब उनकी मदर हैं या उनके फादर हैं उनको नहीं चाहिए। सो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नंबर टू है एक्सरसाइजिंग का स्पेस, राइट, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। खाना आप क्या खिलाओगे? देखिए, खाने का हमारे ऊपर में कंट्रोल नहीं होता है, हम मैक्सिमम एडवाइस कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि आप घर का खाना खिलाइए, राइट। एंड बट क्वेश्चन एंड आंसर काफ़ी रहते हैं। जिस तरीके से एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट को कभी भी पपी उठाने से पहले ब्रीडर को सवाल जवाब करने चाहिए और वहाँ पे एक गुड फील फैक्टर आना चाहिए वेदर ब्रीडर ब्लफ कर रहा है या ही इज जेन्युइन, मतलब वो ही इज टॉकिंग सेंस। तो उसी तरीके से हमारा भी अधिकार होता है एज अ ब्रीडर कि जहाँ पे हमारा पपी जा रहा है उनका एक बैकग्राउंड। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सौरभ आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आई एम अ ब्रीडर जो ना बोलना जानता है, नो हाउ टू से द वर्ड नो, एंड बहुत से एग्जांपल्स हैं, बातों बातें हो रही हैं, मैंने एक पेट पेरेंट को बताया दिया कि आपका अब जो पपी हमारा अभी वो क्या खा रहा है और बातें चल रही हैं मे बी 20 मिनट्स 25 मिनट्स। धीरे से एक क्वेश्चन मैंने पूछ कर दिया वापस कि आप क्या खाना खिलाओगे, तो उन्होंने बोला खिचड़ी या कर्ड एंड राइस, एंड दीज आर फैक्ट्स, मैं स्टोरीज मेकअप नहीं कर रहा हूँ। तब मैं ना कर देता हूँ, मैंने चिकन कितना खिलाओगे, सर सप्ताह में 3 बार खिला देंगे 50 ग्राम 60 ग्राम करके। सो ये सब केसेस में यू हैव एज अ ब्रीडर हैज टू पुट योर फुट डाउन। नंबर और एक चीज़ है, हमारे वेबसाइट पे दिस पपी एप्लीकेशन फॉर्म जो हम रिक्वेस्ट करते हैं सीरियस जो होते हैं कि प्लीज़ आप समय निकालिए और फॉर्म भरिए, वो फॉर्म के अंदर में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। तो बेसिकली अभी तक तो टच वुड वी हैव नॉट गॉन रॉन्ग, अभी तक जहाँ तक जहाँ पे भी हमारे पपीज गए वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वी आर थैंकफुल टू दोज फैमिलीज। या एक गट फीलिंग आना चाहिए और ब्रीडर शुड नो हाउ टू से नो। इट्स www.shortfacedwolveskennel.com, जस्ट लॉग ऑन टू इट, गो थ्रू आर टेस्टिमोनियल्स एंड गो थ्रू दी पपी एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, जमा करिए, वी विल कॉल यू बैक, वी विल इनफैक्ट आपको ईमेल पे भी हम जवाब देते हैं। ईमेल पे अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो लोग वहाँ पे वेबसाइट पे ईमेल और कांटेक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा? नहीं, हम वैसे भी जब पोस्ट करते हैं फेसबुक या सोशल मीडिया पे हमारा वेबसाइट का डिटेल रहता है और वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर रहता है। आप पपीज को अगर लाइव देखना चाहते हो, हमारे एडल्ट्स को लाइव देखना चाहते हो, तो हम लोग वीडियो कॉलिंग भी अलाउ करते हैं बट ये एट अ सर्टेन टाइम। आप रैंडमली वीडियो कॉल करके बात नहीं, अब समझ लीजिए मैं बाहर हूँ तो I will not accept. So we fix up a time and you can do a video calling, no issues. तो सर अगर कोई डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो अगर आप अपना नंबर प्रोवाइड कर देते तो? ओके, आप मेरा प्राइमरी नंबर है 8017036777, ऑल्टरनेट नंबर है 7003585861। और इन पे व्हाट्सएप भी है? दोनों में व्हाट्सएप है। कोई चाहे तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है? एब्सोल्युटली। अगर सर अगर कोई डायरेक्टली अगर लाइव आके देखना चाहे एडल्ट? या बट हम देखिए इनिशियली आप वीडियो कॉल वगैरह में आप देखते हैं, आप से एट द एज ऑफ 30 डेज 32 35 डेज पे हम अलाउ कर देते हैं, बट उस समय हम आपको पपी को दूर से देखने देंगे, हम आपको टच नहीं करने देंगे क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं लगाने से थोड़ा सा हमको भी घबराहट होती है। देखिए आफ्टर ऑल हम लोग को रिस्पेक्ट करना है, मैं जैसे सबको बोलता हूँ कि उनका दिल धड़कता है वो सांस लेते हैं, दैट मीन्स इट्स अ लिविंग बीइंग, सो वी कांट टेक एनी मतलब हम उनके साथ खेल उनकी हेल्थ के साथ खेल नहीं सकते। सो आफ्टर 42 डेज भी हम एक्चुअली अलाउ नहीं करते बिकॉज वैक्सीनेशन काम करने में भी टाइम लगता है। सो बाय से अराउंड 50-55 डेज अगर आप उसको गोद में उठाना चाहते हो नो इश्यूज। और उनके मदर फादर को तो लाइक देख ही सकते हैं?
देखिए अलास्कन के दोनों मेल एंड फीमेल मेरे यहाँ है, बट एज फार एज मेरे साइबेरियन हस्कीज हैं तो मेरे पास सिर्फ फीमेल है, तो मैं आउटसाइड जो भी डॉग होता है वो यूज़ करता हूँ। सो मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन इजीली टेक माय नेम एंड उनसे आप पिक्चर वगैरह आप मांग सकते। तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं आपका साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट है, तो इसको मैं कैनल तो बोलूंगा नहीं, इनका भी घर ही है, पूरा कब्जा कर रखे हैं इन्होंने, तो आप ये घर का टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं इन लोग के लिए? थिंग इज मैं लकी हूँ कि मेरा साउथ ओपन फ्लैट है, सो और मेरा क्या रहता है, मेरा किचन है जहाँ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन हवा आती है, और मेरे लिविंग रूम और मेरा मेन गेट ओपन रहता है, तो उससे क्या होता है क्रॉस वेंटिलेशन होता है। मेरा लिविंग रूम के अंदर में 3 पंखे लगे हुए हैं एंड बहुत अच्छे से कंफर्टेबली उन लोग पंखे के अंदर में रहते हैं, नो इश्यूज। बट हाँ, बट टेम्परेचर विच इज नॉर्मल, यू नो, आप देर आर टाइम जब आप देखोगे कि अगर आप टेम्परेचर ऐप में जाओगे आप देखेंगे 38 डिग्रीज 39 डिग्रीज एंड रियल फील लाइक से 35 डिग्रीज और इवन 40 डिग्रीज। सो जब तक हवा अच्छा खेल रहा हो या उनको अच्छा ब्रीज मिल रहा हो मेरे हिसाब से इश्यू नहीं है, इश्यू होता है आपका ह्यूमिडिटी से। तो हम लोग प्रिटी सेंसिटिव हैं, तो नॉर्मली हम लोग जो कोशिश करते हैं ह्यूमिड टाइम्स में, जो नॉर्मली होता है आपके बरसात के टाइम में, तो हम 12-1 बजे तक, तो अगर हम रेस्ट, मैं रिटायर्ड हूँ तो 12-1 बजे अगर मैं 2 बजे कमरे में गया एसी चालू किया तो उनको भी लेके चले जाता हूँ, बट बाय 4:00 और 4:30 इन लोग वापस बाहर आ जाते हैं, और शाम को रात को 10 बजे अगर कमरे में गया 11 बजे कमरे में गया एसी चालू किया उस समय भी लेके चला गया हूँ। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल जो अफोर्ड कर सकते हैं 24/7 एसी, मगर अगर आप 24/7 एसी चालू रखोगे तो द डॉग बिकम्स यूज टू इट, आपका पेट गेट्स यूज टू इट, सो विच आई यूजली डू नॉट एडवाइस। हाँ, कभी आपका हो सकता है कि सवेरे 10 बजे भी ह्यूमिडिटी लेवल और बहुत ज़्यादा हाई, अनकंफर्टेबल, आप भी पंखे के नीचे बैठे हो, अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, उनको आप रूम में ले गए एसी चालू करके छोड़ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सर आपका जितना भी लाइक डॉग्स है इधर और पपीज है, ये सब क्या KCI रजिस्टर्ड है? और अब जब भी प्लेस करते हैं तो पपी को क्या KCI के साथ देते हैं? अगर कोई डिमांड करे विदाउट KCI तो उसको विदाउट KCI भी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं? So, हमारे अडल्ट जैसे सौरभ, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाया था, और हमारे जितने भी अडल्ट हैं KCI रजिस्टर्ड है, एंड हमारे जितने भी पपीज हैं वो भी KCI रजिस्टर्ड ही हम देते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 अक्टूबर से KCI का रूल चेंज हुआ है। शुरू में हम क्या करते थे, उससे पहले हमारे यहाँ जैसे पपीज होते थे तो 1 सप्ताह के अंदर में या 4 दिन में हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, लेटर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाता था। अभी रूल चेंज हो गया 2020 अक्टूबर से कि पपी का एज शुड बी मिनिमम 30 डेज, तो 30 डेज के बाद ही उन लोग एक्सेप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब फॉर्म। और 30 डेज का मतलब हो गया, जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट वापस आता है इट इज़ करीब 45 से 60 दिन का समय लगता है, तो उस समय तक तो 56 दिन पार हो जाता है, राइट? तो आप लोग केयरफुल रहिए, कोई ब्रीडर अगर आपको 55 दिन का 56 दिन का आपको बोलता है और मैं संग KCI दे रहा हूँ तो कुछ तो भी प्रॉब्लम है। मैंने आपको अभी जो बताया आप उसको कैलकुलेट कर लो, 56 डेज, 30 डेज में आपने एप्लीकेशन जमा किया, मिनिमम 45 डेज में आ रहा है, तो कितना दिन हो गया, आई थिंक इट इज 70 डेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है। तो अगर आप 56 डेज में भी पपी दे रहे हो तो आप विद KCI कैसे दे रहे हो? सो दीज आर रेड मार्किंग्स, रेड फ्लैग्स। सो बेसिकली मैं कोई भी पपी प्लेस नहीं करता हूँ विदाउट डॉक्यूमेंट। तो गाइस हमारे साथ रहीम भैया है और ये कैनल के बैकबोन है, और ही इज लाइक एल्डर सन ऑफ राहुल सर, और पूरा कैनल का जिम्मेदारी इन पे ही है। तो इनसे पूछ लेते हैं सारे मैंने पपीज और एडल्ट के बारे में, क्योंकि इनसे ज़्यादा और कौन जानेगा इस कैनल को, है ना? तो भैया वेलकम सबसे पहले आपको सॉर्वर ब्लॉग्स में। तो पहले बता दीजिए ये शॉर्ट फेस कैनल में टोटल कितने एडल्ट डॉग है? हमारा चैनल में अभी 4 मैलामूट है एडल्ट, 4 मैलामूट, 2 हस्की, 1 गुली हस्की है। अच्छा, मिस टोटल 6 है। 6 है। और इन लोग का नाम क्या है, एक एक करके बता दीजिए। जो अलास्कन मैलामूट है, जो हमारा मेल है, मेल है, नाम है रुस्तम है। रुस्तम। और जो 2 फीमेल है, एक छारा है, एक इना है, और एक है नोबा है। नोबा है। हाँ। और जैसे राहुल सर बोल रहे थे जो सारा है वो आपका साइबेरियन हस्की है ना, वो मैलामूट है, मैलामूट है, तो वो आपका है, तो उसको थोड़ा सा अगर दिखा देते तो
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है सारा और ये भैया का है। तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ऐसे तो आप बहुत प्यार करते होगे इससे। सबको करते है। और ये अलास्कन मैलामूट है, फीमेल है। इसका एज कितना है? ये 2 and a half year। अच्छा, और थोड़ा सा कैनल के बारे में दिखा देते। कैनल नहीं, लोग का घर है तो थोड़ा सा दिखा देते लोग कहाँ रहता है कैसे रहता है, तो चलिए थोड़ा दिखा दीजिए। नहीं, ये लोग हम लोग को सर रहते हैं घर में, ये लोग का अलग का कोई घर नहीं है। जब पापी होता है हम लोग का तो हमारा घर में रहता है, छोटा कैच है हमारा, उधर प्लाईवुड का बना ना उधर रहता है। जब 45 days होता है तो इधर में हम लोग इधर शिफ्ट कर देते ना। दिखा सकते आप लोग, मीन्स ये पूरा प्लेइंग एरिया उन लोग के लिए, लाइक पपीज के लिए। और यहाँ क्या उसके मदर भी रहते हैं? हाँ, मदर भी रहता है। टॉयलेट एंड वो ट्रेनिंग भी यहीं पे दिया है, ट्रेनिंग में बालकनी में ट्रेनिंग करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये बालकनी अभी बंद है क्योंकि अभी एसी चल रहा है, और बाकी ये खोल देते हैं आप। हाँ, खोल देते हैं, बाहर होता है। और इधर कारपेट वगैरह सब बिछा देता है। अच्छा, और ये तो हुआ अलास्कन मैलामूट। और हस्की के बारे में बताइए थोड़ा सा, आप बताए थे दो बोले ना, तीन? दो है, तो दोनों फीमेल है। हाँ, दोनों फीमेल है। तो बताइए उन लोग का नाम क्या है? एक का नाम एल्सा है और एक का नाम शेरेस है। अच्छा, शेरेस। दोनों फीमेल है? हाँ, दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम शेरेस है। शेरेस, आप लोग देख सकते हैं ये उलीकोट में। हाँ, बुलीकोट में, बुलियास के शेरेस है। इसका पेपर का नाम टीना है। अच्छा, टीना है। आप लोग देख सकते हैं इसका एज कितना? 3 years हो चुका है। और एक साइबर हस्की ये है ना? हाँ, ये हाँ। इसका नाम क्या? इसका नाम एल्सा है। एल्सा, और ये प्लस कोड में? हाँ, प्लस कोड। तो आप लोग जा सकते हैं वेबसाइट में शॉर्टफेस कैनल में, तो वहाँ पे आपको आवर टीम दिखेगा, वहाँ पे भैया का नाम भी दिखेगा आपको, तो वहाँ पे जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्यारा सा साइबर हस्की का पपी है ना। हाँ, हाँ। और ये प्लस कोड में? हाँ, हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं यही एरिया में लाइक पपी खेलता है पूरा, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा जगह। और उधर से ये दरवाजा खुलता है, भैया थोड़ा अगर खोल के दिखा देते आप दरवाजा, तो देख सकते हैं ये दरवाज़ा। तो ऐसे अगर एसी बंद रहता है तो ये खोल के उधर भी स्पेस मिलता है, बहुत स्पेसियस जगह। आप लोग देख सकते हैं ये देखिए पूरा स्पेस है, उधर भी जाके पपी खेलता है और लाइक बहुत स्पेस है। आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा है अच्छे से, देखिए बालकनी है उधर और पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो उधर खेलते हैं देखिए। और ये 7S की, इसका एज कितना हो गया होगा भाई अभी 7S की का ये पपी का? 39 days। तो अभी तक तो ये इसका बुकिंग अभी तक हुआ नहीं होगा? नहीं, बुकिंग अभी तक नहीं हुआ। तो लाइक अगर इन फ्यूचर किसी को पपी चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं प्यारू से छुट्टू सा पपी है, देखिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये साइबेरियन हस्की है, पपी है, और भैया के पास मैलामूट का पपी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सर 39 days का है और भैया के पास जो है 3 months का है ना? 3 and a half। तो आप लोग देख सकते हैं एक डिफरेंस कितना ज़्यादा होता है एक साइबेरियन हस्की और मैलामूट में। तो ये दोनों पपीज अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, और इन फ्यूचर अगर कुछ होगा तो भी अपडेट आपको मिल जाएगा, आप लोग वेबसाइट पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग साइबेरियन हस्की और मैलामूट का पपीज। तो आप अगर चाहते हैं ये सब अपने घर पर प्यारे प्यारे पपीज को और प्यारे प्यारे को लाना, तो आप लोग राहुल सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, उनसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, ये पपी लेना है, तो आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं एक अलास्कन मैलामूट का हाइट देख ले, ऑलमोस्ट मेरे जितना है। और ये फिलहाल इधर देख नहीं रहा है, ये देखिए, देख लीजिए। और इसका वेट मीन्स समथिंग 60 kgs होगा। और ये देखिए लाइक समथिंग लाइक मेरा हाइट तो 6 feet जैसा ही है पूरा, पर ये देखिए कितना ज़्यादा हाइट होता है। तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम से आपको बोले साइबेरियन हस्की बेच के जो ये अलास्कन मैलामूट है, तो आप लोग देख लीजिए ऐसा हाइट होता है, एक सुपर जायंट ब्रीड होता है। और ये होता है इसका खासियत गाइस। और इसका हेड साइज देखिए और पॉ साइज देखिए, मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है और मोटा तगड़ा। तो गाइज आपने देखा मैलामूट और हस्की का कैनल, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों को कुछ मैं अपना पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जितना भी आपने डॉग्स देखा उनका जो भी KCI पेपर था मैंने खुद वेरीफाई किया, सबका KCI रजिस्टर्ड डॉग है। और जो कैनल का रजिस्ट्रेशन KCI रजिस्ट्रेशन था वो आपने वीडियो में देखा है और वो मैंने पर्सनली भी देखा, और बाकी जो भी पेपर्स था सब वेरीफाई किया। और यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है हाइजीन पे, लाइक ये कैनल में वहाँ पे जो भी डॉग्स था उनसे भी कोई स्मेल नहीं आ रहा था, और लाइक वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ से भी स्मेल नहीं आ रहा था, और पपीज जिस सेक्शन में रहते हैं वो भी बहुत हाइजीनिक था। और ये अपना डाइट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, जैसे इन्होंने वीडियो में बताया राहुल सर ने,
और सच में फॉलो करते हैं। उन्होंने डाइट भी दिखाया मुझे लाइक पपीज का, और डाइट का भी हाइजीन बहुत मेंटेन किया जाता है ताकि डॉग्स को कोई बीमारी ना हो। तो यही था मेरा पर्सनल वहाँ का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग राहुल सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इन फ्यूचर पपीज चाहिए तो। तो आज के लिए गाइज इतना ही, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कैनल में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।